subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूखी और आज प्राइम टाइम में हम एक एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे उन मुद्दों पे जिन पे कि बहुत कम हाईलाइट किया जाता है और उसकी एक ऐसी पिक्चर दुनिया को दिखाई जा रही है कि जो शायद उससे कहीं मुख्तलिफ है जो वहाँ के लोग हमें बता सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वादी कश्मीर की, जो कि इस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा है और वहाँ पर जो आबादी है, जो क़्यादत है, जो यूथ है और जो लीडरशिप, जो इमर्जिंग एक लीडरशिप उभर के आ रही है, जो लोग वह काम कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी ग्रास रूट पे, जो काम कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रहे हैं, उस पर आज हम बात करना चाहेंगे। आप तक वो लम्हा बा लम्हा खबर पहुंचाना चाहेंगे और उसके लिए हम जाएंगे सीधा कश्मीर की वैली में और हमारे साथ जुड़ेंगे वहाँ के एक बहुत ही एक्टिविस्ट हैं, हमारे यूथ हैं, आप उन्हें अक्सर टेलीविज़न पर देखते हैं, मीर जुनेद। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले उनको हम वेलकम करें और वो फिर अपना इंट्रोडक्शन भी आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले खुश आमदी। सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। बिल्कुल। तो मीर जुनेद साहब, काफ़ी आपका हम देखते रहते हैं टेलीविजन वगैरह पे, स्क्रीन पे, और आप वहाँ पर एक वकील की हैसियत से भी काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर वर्कर पार्टी को भी आप देख रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइएगा ताकि हम अपने ऑडियंस को बता सकें कि आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है वो किस हद तक इफ़ेक्टिवली काम कर रही है उस एरिए में, उस रीजन में। देखिए, मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी का। मैं इससे पहले सोशियो पोलिटिकल एक्टिविस्ट रहा, 14 साल मैंने काम किया है ज़मीनी सतह पे, शाना बशाना लोगों के साथ चला हूँ, जहाँ लोगों को ज़रूरत महसूस होती थी या जहाँ भी लोगों के साथ चलने की ज़रूरत थी, इन 14 साल हम लोगों के साथ बिल्कुल बखूबी से चले हैं और उनके जो काम थे और उनको एड्रेस किया है, उनका प्रॉपर रिड्रेसल भी हम लोगों ने जो है कि टाइम टू टाइम दिया है। वेरी गुड। अच्छा, और जी जी बताइए। हाल ही में 4-5 महीने बाद हमने एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करी, क्योंकि हमें महसूस हुआ कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम हम जैसे नौजवान, जिनकी हमेशा आवाज़ दबाई गई थी, जिनको उभरने कभी नहीं दिया गया था, जिनकी मेहनत पे हमेशा पानी फेर दिया जाता था, तो हमें ज़रूरत लगी कि जो वहाँ की पोस्ट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स है, जो वहाँ की पुरानी सरकारें थी, उनसे ऊपर उठ के हमने फैसला लिया कि हमने कहा कि जम्मू कश्मीर पार्टी, वर्कर्स पार्टी जो है कि वजूद में लानी चाहिए, जो कि लोगों की पार्टी है। ठीक है, मैं क्यों कहता हूँ कि लोगों की पार्टी है, आपने मालूम होगा कि कुछ महीने बाद, पिछले साल जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने वाले थे, पंचायती चुनाव होने वाले थे, म्युनिसिपल चुनाव होने वाले थे, बीडीसी चुनाव होने वाले थे। बिल्कुल। तो उस टाइम इन लोगों का जो है कि एक असली चेहरा सामने आया, हमने ये देखने को मिला कि ये लोग जमहूरियत के, जमहूरी निजाम को यहाँ कायम होने नहीं देंगे, और हमने फैसला किया कि अगर ये लोग ये कहते हैं कि पंचायती चुनाव लड़ने से या म्युनिसिपल चुनाव लड़ने से जो है कि 370 या 35 को खतरा है, तो वैसी कोई बात नहीं है। हमने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि ये वादा कर रही है, हम एक पंचायत में 1 करोड़ रुपया जो है कि हर पंचायत में देंगे, तो अगर इससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए को 5 करोड़ आते थे या एक एमएलए को कभी 6-7 करोड़ आते थे अपना फंड जो उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूटिलाइज करना होता था, इस बार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90-95-100 पंचायतें होती है, जहां 5 करोड़ आता था वहां जो है कि 105 करोड़ रुपया आएगा,
और अंदाजा ये लगा जा सकता है कि क्या 5 करोड़ में ज्यादा डेवलपमेंट होगी या 105 करोड़ में डेवलप होगी या 2 करोड़ ज्यादा डेवलपमेंट होगी। तो इस चीज को लेके जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट जो था, तो इस चीज को लेके हमने कहा कि नहीं, हम लोग जो है कि पंचायत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और हमने 2774 कैंडिडेट्स जो है कि पंचायती चुनाव में खड़े किए और जिसमें 2368 जीत के आए। वो हमारी मेहनत का नतीजा है, वो साबित करता है कि हमारे साथ जो है कि वहाँ लोगों की जो अक्सरियत है, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाले लोग हैं और जो चुने गए नुमाइंद, जो चुनी गई एक नुमाइंदगी जमीनी सतह से उभर के आई, वो हमारे साथ है। वेरी गुड। म्युनिसिपल में भी हमने पार्टिसिपेट किया, वहां पे हमने मेजोरिटी हासिल करी और बीडीसी के चुनाव हुए, वहां पे भी मेजोरिटी हमने हासिल की। जब हमने ग्राउंड में इन चीजों को लेके मेजोरिटी हासिल करी, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी के एक अहम हिस्से हैं, तो हमने फैसला किया कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की खिदमत कर सकते हैं और जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक गुड जो है उसका जो है कि साथ दे सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल, मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि हमें उस वैली की मीडिया में कुछ और पिक्चर दिखाई जाती है, आप लोग कुछ और काम कर रहे हैं। कश्मीर इज नॉट अबाउट गन्स एंड बुलेट्स एंड बॉम्ब्स, इट्स मोर देन दैट। वहाँ पे जीते जागते लोग रहते हैं, इंसान बसते हैं वहाँ पर, और उन इंसानों की कुछ ज़रूरियात भी होती हैं। उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वहाँ पे समाजी तौर पे भी लोग काम कर रहे हैं, सियासी तौर पे भी लोग काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक सतह पे भी काम कर रहे हैं। तो क्या, कौन सी पिक्चर को मैं सही मानूं, आप क्या बताएंगे? देखिए, जो जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, मैं उस मीडिया को दावत देना चाहूंगा कि वो कश्मीर आए और कश्मीर के सूरत हाल का जायजा लें। ये जो सुनी सुनी कहानियां जो ये सुन रहे हैं केयर से, इन पे यकीन ना रखें, खुद आके ग्राउंड में इन चीजों का जायजा लें और उस जायजे की बुनियाद पे जो है कि अपनी रिपोर्टिंग करें। तो मुझे लगता है कि इन चीजों से कुछ ही हासिल तो होने वाला नहीं है। हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। हमने 30 साल मुसीबतें ही मुसीबतें देखी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमने तकलीफें देखी उधर, और हम नहीं चाहते हैं कि जिस हालात में हम 30 साल जिए हैं और भी हम उसी लाही अमल को लेके अपनी जिंदगी बसर करें। इन चीजों से हम हट के अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं जी। और मेरी फिर से इंटरनेशनल मीडिया से गुजारिश है कि वो मेहरबानी करके कश्मीर आएं और हालात का खुद से जायजा लें और उस बुनियाद पे रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग तो दुनिया की जो रिपोर्टिंग है वो एक होती है, एक हमारे खित्ते की रिपोर्टिंग होती है, एक हमारे साउथ एशिया का अपना कल्चर है, और उसमें आप देख रहे हैं कि एक मीडिया वॉर लॉन्च कर दी गई है, वेज कर दी गई है उस खित्ते में, किसी हद तक दोनों तरफ से भी हम कह सकते हैं, लेकिन एक 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 हिस्से से ज़्यादा आप पे अटैक हो रहा है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, दहशतगर्दी चल रही है, आतंकवाद फैल रहा है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइकू जैसे दहशतगर्दों को, आतंकवादों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। तो इसमें मेरा एक नज़रिया ये है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, इजाज़त हो तो, कि कोई भी दहशतगर्दी उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती या उस वक्त तक उसमें पल नहीं सकती जब तक लोकल पॉपुलेशन का साथ ना हो। तो हम ये देख रहे हैं कि बजाय पलने के वहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो रही है। तो क्या मैं ये समझूं कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे मुस्लिम आबादी है, अब वो इससे तंग आ चुकी है और वो ख़ुद इसके खात्मे की तरफ बढ़ रही है? देखिए, गिने चुने अफराद से पूरा कश्मीर को बदनाम करना ये सही बात नहीं है। ठीक है, कश्मीरी एक पीस लविंग इंसान है और जो अफरा तफरी के आलम से बहुत
तंग आ चुका है। और जहां आपने टेररिज्म की बात करी, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। देखो, ये बंदूक और बंदूक की लड़ाई है, और जिनको कोई भी लड़ाई बंदूक से लड़नी है तो उनका जो मुकाबला है वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है कर रही हैं, और बखूबी अपने ऑपरेशंस जो है कि अंजाम दे रही हैं। हमारी लड़ाई जो है कि हमारी लड़ाई सोच की लड़ाई है, हमारी लड़ाई कलम की लड़ाई है, और उस कलम की लड़ाई में मैं समझता हूं कि उसमें गन का कोई रोल नहीं है। सो मैं फिर आपके चैनल के जरिए एक गुजारिश करना चाहूंगा कि ये बात इन लोगों को समझनी चाहिए कि आपने अगर हमारे जैसे लोगों को भी जो अमन चाहते हैं, जो वहां पे पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, वहां के एक अहम जो आम शहरी है उसकी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, जो हमने मुसीबतें देखी आज तक उनको दूर करना चाहते हैं, तो हम जैसे लोगों को यू नो ऑन द बैरल ऑफ गन हमारी अगर वॉइस मजल की जाएगी तो मुझे लगता है कि वो सही बात नहीं है, वो दुरुस्त बात नहीं है। और जो है कि इन लोगों को सोचना भी चाहिए, जो लोग टेररिज्म प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। उनको ये तय करना चाहिए कि जनाब आपने वहां लड़ाई सिविलियंस के साथ है या जो है कि आपकी लड़ाई वहां पे जो है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ाई है तो रियाज नाइकू ने सिविलियंस की किलिंग क्यों करी जी? एक ट्रक ड्राइवर वहां से आया, उसको क्यों मारा? एक बच्ची जो है कि जिसकी पिक्चर हमने हर जगह देखी होगी जी, मतलब खून के आंसू वो रो रही है, उसके बाप को उन्होंने कत्ल किया, किस बात को लेके? अगर लड़ाई है तो उनसे लड़िए जिनके हाथ में बंदूक है। हम जैसे लोगों ने क्या किया जी? हम जैसे लोगों के पीछे क्यों खड़े हैं? तो इसका मतलब है कि वहां की पॉपुलेशन में रिजेंटमेंट पाया जाता है इन तमाम इस तरह के हथकंडों को लेकर जो कि दहशतगर्द लोग करते हैं सिविलियन पॉपुलेशन के साथ, और वो भी एक मुट्ठी भर गिने चुने लोग हैं जिनको लोकल सपोर्ट भी अब शायद शामिल नहीं रही। देखो बिल्कुल, कौन सा मुल्क या कौन सी रियासत ये चाहेगी कि उस रियासत में टेररिज्म हो या उस रियासत में दहशतगर्दी हो? कोई रियासत मुझे नहीं लगता है कि 21वीं सदी में ऐसी चीजें चाहेंगी। तो इसमें सिंपल ये है कि जो लोग इनको बंदूक लेके यहाँ भेज रहे हैं उनको सोचने की जरूरत है कि आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ, अब क्या हासिल होने वाला है? जब 30-40 साल तक हमने इस चीज से कुछ मतलब हासिल नहीं किया, हमने सिर्फ खून खराबा देखा, हमने कश्मीर को सिर्फ पीछे होते हुए देखा, तो अब और क्या हम इस चीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस चीज से और क्या हासिल हो सकता है? ये नहीं, लेकिन मेरा सवाल वहीं अपनी जगह पर है कि मैं ये, चूंकि आप वहाँ ग्राउंड पे मौजूद हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या लोकल मुस्लिम जो हैं वहाँ पर, क्या वो इस तहरीक को, सो कॉल्ड तहरीक को, दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं अक्सरियत या उसको सपोर्ट करते हैं? क्योंकि ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो बाहर बैठ के ये देख रहे हैं, इस प्रोपेगेंडा को झेल रहे हैं, उसको हमें जानना ज़रूरी है और इस पैगाम को आगे पहुँचाना भी ज़रूरी है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर कश्मीर इस चीज को सपोर्ट करता तो फिर सारा कश्मीर बंदूक उठाता। आपने देखा कि कितने ही लोग, गिने चुने लोग बंदूक उठाते हैं जी। और जो लोग बंदूक उठाते हैं, मुझे लगता है कि बंदूक एक पढ़ा लिखा इंसान, एक
जिसमें शऊर हो, जिसमें सच में लड़ने की ताकत हो, वो बंदूक के जोर से कभी नहीं लड़ेगा, वो कलम के जोर से लड़ेगा, वो अपने कलम हाथ में लेके अपनी सोच की लड़ाई जो भी उसको हासिल करना होगा वो उससे हासिल करेगा, न कि बंदूक से कुछ हासिल होगा। तो इस बात की जो है कि अकाशियाफ इस चीज से कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में मतलब गिने चिने लोगों ने हथियार उठाए हैं, तो बाकी कश्मीरी तो मतलब एक रोजमर्रा की जिंदगी, एक आम शहरी की तरह जिंदगी गुजारना चाहता है, एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता है जी। वो अपने ख्वाब पूरे करना चाहता है, वो अपनी पढ़ाई हासिल करना चाहता है, वो अपना रोजगार कमाना चाहता है, अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता है, न कि अपने बच्चों के हाथ में बंदूक देना चाहता है जी। तो उसका इसका मतलब ये हुआ कि एब्रोगेशन के बाद लॉकडाउन रहा कुछ अरसे, इंटरनेट बंद रहा, एक तरह का कर्फ्यू का समा रहा, वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें रुकावटें ख़त्म हो गई, उठा ली गई और अब ज़िंदगी नॉर्मल हो गई है, मामूल की जानिब आ गई है। इत्तफाक ऐसा हुआ कि इस दौरान में पेंडेमिक ने आ घेरा हम सबको और एक मरतबा पूरी दुनिया ही अब उस लॉकडाउन में चली गई है। तो उस लॉकडाउन को वैली में कैसा देखा जा रहा है और उस सिलसिले में आप लोगों की क्या एफर्ट्स हैं? देखो पेंडेमिक को लेके वर्कर्स पार्टी है, हमने अभी तक 600 गांव कवर किए हैं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर के अंदर 20-20 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं जिनको राशन की ज़रूरत है, जिनको लाइफ सेविंग ड्रग्स की ज़रूरत है, जिनको बहुत सारी अखराजात होती हैं मतलब एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिस जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 महीने से कि उन तक हम पहुंच पाए और उनकी नीड्स जो है हम पूरी कर पाए। और मुझे लगता है कि अभी तक हमने 6,000 से ज़्यादा फैमिलीज को कैटर किया होगा 600 गांवों में। ठीक है ठीक है। तो वहाँ पर रेशियो क्या है इन्फेक्शन का और उसके उससे जो फैटेलिटीज़ हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स इन इंडिया और दीगर मुल्कों में, वहाँ पे के ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए? बहुत कम है, बहुत कम होगा। नहीं नहीं, बहुत बहुत कम है। वी आर एबल टू कंटेन दी कोविड, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, जो कोविड का जो कोविड-19 का एक प्रोटोकॉल है प्रॉपर, पूरे कश्मीर के लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, जम्मू के लोग फॉलो कर रहे हैं, चिनाब पीर पंजल जो रीजन है हमारा, सब एक तरीके से हर एक चीज फॉलो कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी जम्मू कश्मीर में कोविड बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि है मतलब उतने भी केसेस नहीं है जितना मतलब कभी कभार दिखाया जाता है, उतना नहीं है, अब ठीक है। और लोगों को जरूरियात का सामान मिल रहा है वहाँ पे जुनेद साहब? बिल्कुल मिल रहा है, लोगों को हर एक चीज दस्तियाब हो रही है, गवर्नमेंट बहुत बढ़िया से बढ़िया एफर्ट्स लगा रही है। और आप देख रहे हैं जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे बाकी रियासतों में थे या बाकी मुल्कों में थे, उनको वापस लाया जा रहा है, ट्रेन का इस्तेमाल करके वापस लाया जा रहा है, SRTC की बसेस भेजी जा रही हैं, हवाई जहाज के जरिए लोगों को वापस जा लेके ले आए मतलब लेके आ रहे हैं, रिपैट्रिएट किए जा रहे हैं इस तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम अपने बच्चों को किसी स्टेट में यूं ही छोड़ रहे हैं, उसमें हमारी भी पहल है, हम भी उसमें जो है कि पूरे जितने भी हमारे कश्मीरी बच्चे बाकी देश के हिस्सों में पढ़ रहे हैं, हम उनके साथ मुसलसल तौर पे टच में हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि मतलब हर दिन कि हमारे कम से कम हर दिन 200-300-400 बच्चे रियासत वापस पहुंच जाए। और अभी तक एक अच्छा एफर्ट्स रहा है, अभी तक रियासत में हमने मुझे लगता है कि 40,000 से ज्यादा बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट ने जो है कि वापस लाया है। ठीक है ठीक है। अच्छा ये दो तरह की एफर्ट्स
पे आज हम मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एक तो ज़ाहिर है कोविड के बाद हमारे साथ एफर्ट्स हुई हैं, दूसरा जो इससे पहले कश्मीर में एब्रोगेशन के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई थी, क्योंकि आपका ताल्लुक ऐसी पार्टी से नहीं है जो कि सरकार में हो इस वक्त। सरकार हमने कोशिश की कि सरकार से हट के ज़रा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए और देखा जाए कि वहाँ एब्रोगेशन के बाद किस हद तक लोग सेटिस्फाइड हैं, किस हद तक सरकार ने वहाँ पे काम किए हैं, और वो किसी एक ऐसे न्यूट्रल शख्स से हमें सुनने को मिले जो हमें रियल पिक्चर बता सके। क्योंकि अगर मैं किसी बीजेपी के तर्जुमान को लेना चाहता तो वो ज़रूर आते और वो भी अपना काम बताते, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसको कैसा देख रहे हैं ये हमारे नाज़रीन और व्यूअर्स तक ज़रा पहुँचाइएगा। देखो, एक चीज़ हम सब ने समझनी पड़ेगी कि 370 और 35A का जो मसला है, ये हम दोनों ने मतलब थोड़ी जो है कि हटाया है, या मेरे और मेरे किसी दोस्त ने थोड़ी मिलके हटाया है, या मेरे किसी पार्टी के मेंबर ने हटाया होगा। बिल्कुल, इसमें बात सिंपल थी कि इसमें 370 लोग जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जिनको हिंदुस्तान की 125 करोड़ आबादी ने चुन के पार्लियामेंट भेजा है, उनके ड्यू कंसेंट से हटाया गया। हमारे भी वहां पे 5 लोग थे, 3 PDP के थे, 2 PDP के थे, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, जिनको वहां पे हमने भेजा था रिप्रेजेंट करने के लिए, उनने हमारे हक में कोई बात ही नहीं करी। और ये 370 जो हटाया गया, ये 90% हमें वहां की जो सरकारें रही हैं 30 साल तक, उन्होंने इस चीज को पहले स्क्रैप किया था। असल में ये देखना जरूरी है कि 370 क्या अचानक से पूरा का पूरा हटाया गया, या इसमें काफी सारे साल लगे हटाने। एग्जैक्टली, ये 370 को लेके 45 अमेंडमेंट्स हुई, वो अमेंडमेंट्स किसने करी? वो वहां के पीडीपी सरकार ने करी, कांग्रेस सरकार ने करी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करी, या जितनी भी उधर कॉलिशन सरकारें इधर उधर बन रही थी उन सरकारों ने करी। उन्होंने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, वो डायरेक्ट अटैक था 35 और 370 के ऊपर। उन्होंने लैंड ग्रांट बिल इंट्रोड्यूस किया, वो 370 को लेकर डायरेक्ट अटैक। बट अब हिपोक्रेसी ये है, मैं उन सब से ये सवाल करना चाहता हूं कि जनाब, आप लोग हिपोक्रेट क्यों बनते हो? अगर 370 90% आप लोगों ने ऑलरेडी खत्म किया था, अब 10% बीजेपी ने खत्म किया, और इस 10% से जो हमारे पहाड़ी गुजर और बकरवाल लोग हैं उनको एक से ऑफ रिलीफ मिल रहा है, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए दर्द हो रहा है कि इस 370 और 35 हटने के बाद हम जैसे लोगों को एक मौका मिला सामने आने का, हम जैसे लोगों को मौका मिला कि हम आम आवाम की, जिस गरीब की आवाज हमेशा दबाई गई, जिस गरीब को आज तक अपने हकूक से महरूम रखा गया, उस गरीब तक हम पहुंच पाए, क्या ये उन लोगों को रास नहीं आ रहा है? हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जी। हम दो घोड़े नहीं दुड़ा रहे हैं। ये लोग हमेशा, जितने भी उधर लोग अभी तक सरकार बनाई थी, हमेशा दो घोड़ों पे सवार थे जी। और जो दो घोड़ों पे सवार इंसान हो तो हमें समझना चाहिए कि उसका एक ही फेट होता है कि इवेंचुअली ही विल फॉल। तो हम दो घोड़ों पे सवार नहीं, हम हमेशा ये कहते हैं कि देखिए कि कश्मीर में अगर इस मुसीबत का कोई जिम्मेदार है वो 3 लोग हैं। एक इसमें हमारी जो पोस्ट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो है, मैं उनको भी जिम्मेदार ठहराता हूँ, जो है कि हुर्रियत को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ मैं, जो है कि जो हमारा वेस्टर्न नेबर है उनको भी जिम्मेदार ठहराता हूँ कि देखो मतलब बहुत हो गया, एटलीस्ट खुदा के लिए मेहरबानी करके हमें अमन से रहने दो। आप दुनिया देखो, दुनिया कहाँ पहुंच रही है, दुनिया में कितनी तरक्की हो रही है एजुकेशन के लिहाज से,
मेडिकल केयर के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट को लेके हर एक एतबार से पूरी दुनिया आगे जा रही है और हम लोग जो है कि हमें बिना किसी वजह, बिना किसी कसूर के जो है कि एक विक्टिम बनाया जा रहा है और दबोचा जा रहा है, वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आई मीन दीज थिंग्स शुड नॉट बी अलाउड। ठीक है, वो तो नहीं अलाउ होनी चाहिए, आप लोग उस पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको जो एक चैलेंज है, एक चैलेंज है, वो ये है कि दो तरह के चैलेंजेज है ना, एक तो इंटरनल चैलेंज हो गया कि जो आप बची खुची जो भी आतंक है वो उससे निपटना है, दूसरा जो एक्सटर्नल एक आपके ऊपर चैलेंज है वो बाहर से आता है, यानी कि नेबरिंग से जो प्रॉक्सीज़ के नाम पे, जिहाद के नाम पे, हिजबुल के नाम पे, मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ नामों में, मुख्तलिफ चीफ और मुख्तलिफ बॉसेस बन के, हाथ में पढ़े लिखे मैथ के टीचर गन उठा के लोगों को वरगलाते हैं, उस चैलेंज को भी निबटना आप जैसे यूथ का, वहाँ के लोकल लोगों का, लोकल लीडरशिप का काम है, उससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, पहली ये बात है कि जिस चीज को जहाद नाम दिया जाता है, पहले वो जहाद है ही नहीं। कश्मीर में रिलीजियस फाइट है ही नहीं, कश्मीर में ये जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं वो जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पहले ये कुरान शरीफ में आप साबित करके दे कि कुरान में ये कहां लिखा है कि जमीन की लड़ाई जहाद है, तो कौन सा जहाद है कश्मीर में? ठीक है, और अब जिस जहाद को लेके लोगों को वरगलाया जाता है, जिस जहाद को लेके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप जहाद के नाम पे बंदूक हाथ में उठाओ जी, ये लॉजिक मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया। ठीक, तो वहां का मुसलमान फिर ये बात समझता नहीं है, आप नहीं समझाते उनको वहां पे? देखिए, हर कोई इस चीज को समझ चुका है, हर कोई इस चीज को नकार रहा है। कश्मीरी, आपको लगता है कि ये चाहता है कि बंदूक उठाए, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कश्मीरी कभी नहीं चाहता है कि मैं बंदूक उठाऊं, फिर तो सारा कश्मीर मिलिटेंट होता, फिर तो सारा कश्मीर टेररिस्ट होता है ही। कितने ये वही लोग हैं जिनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिनको इस्लाम के नाम पे जो है कि बंदूक उठवाया जा रहा है, जिनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेके जो है कि ये कहा जा रहा है कि आप बंदूक उठाओ, आप वहां पे लोगों का कत्ल गारत करो, और जब उस कत्ल गारत का शिकार कौन बनते है? उस हर एक आम शहरी बनता है जी। उस कत्ल गारत की वजह से फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कि उनको ये कहना पड़ता है कि जब कश्मीर में जो है कि इंटरनेट बैन करना चाहिए क्योंकि वहां टेररिज्म है, ये उनको सोचना चाहिए कि जो इधर भेज रहे हैं उनको यहां भेजने नहीं चाहिए पहले। ठीक है, भेज के हासिल क्या होगा? ये तो कोई समझाए, हासिल होने वाला क्या है इससे? आप दुनिया की जो दूसरे नंबर पे पावरफुल मिलिट्री है उससे लड़ रहे हैं, और वो भी कुछ गिने चिने लोगों को भेज के जी। ह्यूमन माइंड फेल्स, लॉजिकली देखा जाए इन चीजों से हासिल कुछ नहीं होने वाला है, ये जहाद के नाम पे खुदकशी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So you condemn? 110%, why not? When something need to be condemned, we are there to condemn it. चाहे इसमें पाकिस्तान का ही हाथ क्यों ना हो, चाहे इसमें किसी और ताकत का हाथ क्यों ना हो, लेकिन चूंकि वहाँ पे एक साजिश की जाती है, एक शरारत की जाती है, एक फितना उठाया जाता है और इलाके की पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को खतरे में डाला जाता है, तो आप जैसे वहां के ग्रासरूट के लीडर्स, whosoever इज इन्वॉल्वड
in, you know, harming the peace of Jammu and Kashmir. We will always oppose that, whosoever it is. ठीक है. May it be our neighboring country or may it be someone else. We'll always stand against the people who don't want us live peacefully. ठीक, ठीक. अच्छा एक और मेरे शायद आप मैंने एक पहले प्रोग्राम किया था उस इसी बारे में वैली पे और एक और इंटरनल खतरा जिसे मैं कहता हूँ वो भ्रष्टाचार है आपकी ब्यूरोक्रेसी में अफसरशाही में गवर्नमेंट के इदारों में रिश्वत दहशत का जो शिकार होते हैं जो करप्शन का शिकार है ये एक पूरा सिस्टम देखा जाए तो कुछ ख़ानदानों ने उसको दबोचा हुआ था क्या उस पर काबू पाना शुरू हुआ है अब तक उसी के खिलाफ तो हमने अपनी पार्टी बनाई है वर्कर्स पार्टी का जो एक बेसिक मुद्दा है वो ये है कि हमने अपनी जो जम्मू कश्मीर है इसको करप्शन फ्री करना है जो आज तक जिन खानदानों ने हमें आज तक लूटा जिन खानदानों ने आज तक अपने कुर्सी की हवस को लेके हमें एक्सप्लॉइट किया हमारे रिसोर्सेस को लूट एंड प्लंडर किया उसी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं उसी के खिलाफ तो हम लोगों को खड़ा करेंगे कल को चुनाव में ठीक जो एक विजन रखते हो जो पढ़े लिखे लोग हो जिनको कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं हो जिनने आज तक किसी को मरवाया नहीं हो उनसे रंगे नहीं हो एक वो लीडरशिप हम रियासत में कायम करेंगे और एक नए कश्मीर की शुरुआत वहां से स्टार्ट होगी देखो इनिशिएटिव तो किसी ना किसी को तो लेना है हम आखिर कब तक चुप बैठेंगे और खामोशी इख्तियार करने से कुछ हासिल तो होने वाला नहीं है दुरुस्त वो तो हमने आज तक देखा जी खामोशी किसी चीज का सलूशन नहीं है बिल्कुल हमने जो है कि एक आवाज उठानी है करप्शन के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं कि जो हमारा एजुकेशन है हम एजुकेशन सिस्टम को लेके वहां पे रिफॉर्म्स लाएंगे हम जो है कि क्वालिटी हम जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन दी जा रही है वो हम एनहांस करेंगे जो गरीब आवाम है वहां की कश्मीर में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है हमारी पॉलिसीज है हमने इसमें बिल्कुल एक रोड मैप बनाया है कि उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे आम शहरी को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे जो है कि फ्री मेडिकल केयर जो है वहां रियासत में वो हम लोगों को मुहैया कराएंगे हमें कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हमें थोड़ी अपने घर बनाने हैं हमें थोड़ी अपनी इमारतें बनानी है कहीं पे कोई बिजनेस चल रहा है हमारा हम हमेशा लोगों के लिए हमने हमेशा लोगों के लिए आवाज उठाई है और आगे भी लोगों के लिए ही आवाज उठाएंगे तो क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको और अपने वहां की आवाम से जनता से आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है सर अगर रिस्पांस नहीं मिलता तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2774 में से 2368 कैंडिडेट्स जीतना कोई आसान बात थोड़ी है जी इसी तरीके से अगर बीडीसी की बात करेंगे 138 कैंडिडेट से हमारे 138 कैंडिडेट्स में हमारे जो है कि 116 कैंडिडेट्स जीत गए म्युनिसिपल की बात करें आप 245 कैंडिडेट्स में 135 कैंडिडेट्स जीत गए तो दैट मींस कि हम एक प्रोग्रेसिव रास्ते पे चल रहे हैं और उसका नतीजा मतलब सामने है जमहूरियत का जो निजाम है वो रिजल्ट पे डिपेंड करता है जी। आप जमहूरी निजाम में हिस्सा लें आप देखें कि आप में कितना दम है आपको कितने वोट आएंगे आपके कैंडिडेट कितने जीत के आएंगे आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी साख्त आपका लोगों का रेस्पॉन्स वहां का वहां पता चलता है जी। और हमारा भी जो है कि कोई छुपी हुई बात नहीं है बिल्कुल रिजल्ट लोगों के सामने है लोग जोग दर जोग जो है कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि लोगों ने ये बात
समझी है और आगे भी समझनी चाहिए कि जो निजाम हमने आज तक देखा है उस निजाम से कुछ हासिल नहीं हुआ। हमने उस निजाम से हटकर एक अमन के रास्ते पे चलने की जरूरत है और जब रियासत में अमन होगा तभी डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल, जब रियासत में अमन होगा तभी हमारे बच्चे को एजुकेशन अच्छे से अच्छे हासिल हो सकती है, अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, तभी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, तभी हम अपनी जो स्टेट की बैकबोन टूरिज्म है तभी हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, तभी हम अपने जो मेहनतकश जो हमारा गरीब तबका है वहां पे उनको इंपावर कर सकते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, तो एक एक बड़ा प्रोग्रेसिव सोच लेके हम इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। एक आई वॉन्ट योर मैसेज, व्हाट इज योर मैसेज टू द वेस्ट ऑन देयर स्टीरियोटाइप विजन अबाउट कश्मीर? सी, देखो, जो कश्मीर को एक स्टीरियोटाइप प्रिज्म से देख रहे हैं, दे शुड यू नो दे मस्ट थिंक बियॉन्ड रेटरिक एंड दे मस्ट थिंक ऑन सबस्टेंशियल लाइन। Stereotyping has no scope in 21st century. And that too, I mean, you know, when it comes to Kashmir and when it comes to our political party and when it comes to our ideology, there is no scope for stereotyping. Okay. Okay. So basically, the picture... वो उनकी अपनी जहानत है। वो जो पिक्चर डिस्प्ले कर रहे हैं, वो जो पिक्चर पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वो इनकी अपनी सोच है। बट मेरा यही है कि जो क्या बोलते हैं इसको, कहीं दूसरे मुल्क में बैठ के रिपोर्टिंग करें या जो है कि कोई कहीं पे बैठा है, कोई कहीं पे बैठा है, वहां से हालात का जायजा ले रहे हैं, वैसे काम नहीं चलेगा। जिनको रिपोर्टिंग करनी है वो आए, वो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करें और वो ग्राउंड में सही सूरत हाल का जायजा लें और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है कि लोगों के सामने आ जाए, दुनिया के सामने आए। और हम थोड़ी नकार रहे हैं, वी वेलकम देम, वी इनवाइट इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, वी इनवाइट इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी टू विजिट कश्मीर। क्या मैसेज देंगे आप अपने लोगों को जो आज सुन रहे हैं आपको, ना सिर्फ पूरे कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में? एक नया बीज बोया है आपने, एक यूथ सामने आई है, कश्मीर एक नई तस्वीर देख रहा है, एक नया खून दौड़ गया है। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, पहली मैसेज ये है कि खुदा के लिए हम लोगों को जो हम काम कर रहे हैं इसमें परचमे पैदा करने की जरूरत नहीं है। हमें अमन व अमान से काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, हमें लोगों की खिदमत करने का मौका दिया जाना चाहिए, हमें रियासत की तरक्की, रियासत की जो तामीर तरकी है, रियासत के जो इशू है, हम उनको एड्रेस करना चाहते हैं, हमें बिल्कुल मौका दिया जाना चाहिए। उसमें जो है कि उसमें किसी को हमें वो हर्डल क्रिएट नहीं होनी चाहिए। वी वॉन्ट पीपल टू यू नो टू गिव ब्लेसिंग्स टू सपोर्ट अस, और इंस्टेड ऑफ यू नो शोइंग रिजेंटमेंट दैट आई मीन इफ यू विल जस्ट पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट विल बी वेरी हार्मफुल एंड विल बी हैज़र्डस, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू वर्क। बहुत बहुत शुक्रिया मीर जुनेद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया कश्मीर से, आपसे गाहे बगाहे हम मजीद कॉन्टेक्ट में रहेंगे।
व्यूअर्स, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और आज की इस गुफ्तगू का मकसद हमारा ये था कि हम आप तक वो असल पिक्चर पहुँचाएँ कि इस वक्त कश्मीर, जिसको दुनिया मुख्तलिफ तस्वीरों और रंगों से आपको दिखाती है, उसका असल खूबसूरत रंग क्या है। और यूथ लीडरशिप विद इन द मिडिल क्लास से निकल के जो लीडरशिप आती है, उससे खूबसूरत रंग क्या हो सकता है। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। हैव ए ग्रेट इवनिंग। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.